अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ एनालिटिका। आज की वीडियो हम दुनिया फुटबॉल के अजीम खिलाड़ी लियोनेल मेसी के फुटबॉल क्लब बार्सिलोना को छोड़ने और उसकी वजूहात के बारे में बना रहे हैं। दुनिया फुटबॉल के सबसे फेमस फुटबॉलर और दुनिया में सबसे ज्यादा देखे, पसंद किए जाने वाले और शायकीन की तरफ से दीवानावार चाहे जाने वाले फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने अपने साथ साथ करोड़ों शायकीन को भी रुला दिया। लियोनेल मेसी का फेमस स्पेनिश क्लब बार्सिलोना से मुंसलिक कैरियर जो दो दहाइयों पर मुश्तमिल था, आज इख्तिताम पजीर हुआ। बार्सिलोना और मेसी एक दूसरे के लिए लाजम मलजूम समझे जाते थे। शायकीन फुटबॉल के वहम गुमान में भी नहीं था कि मेसी बार्सिलोना को अलविदा कर देंगे, लेकिन आज मेसी के बार्सिलोना को छोड़ने के बाद बार्सिलोना क्लब का एक शानदार बाब हमेशा के लिए बंद हो गया। आज जब मेसी बार्सिलोना को छोड़ने का ऐलान करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो वहाँ पर मौजूद शायकीन और क्लब मेंबर्स की आंखें आंसुओं से नम थी। इसी दौरान मेसी भी अपने जज्बात पर काबू ना रख सके और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। तकरीबन एक मिनट की खामोशी के बाद अपनी इख्तितामी अल्फाज में मेसी का कहना था कि मैं क्लब के साथ मजीद खेलना चाहता था, लेकिन कुछ नागजीर वजूहात की बिना पर मुझे क्लब छोड़ना पड़ रहा है। जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया गया तो दुनिया भर के शायकीन समझे कि मेसी अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले हैं। ये सब कयास सराइयां प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खत्म हो गई जब उन्होंने कन्फर्म किया कि वो अब फ्रांस के क्लब PSG की तरफ से खेलेंगे और अपने इंटरनेशनल कैरियर को जारी रखेंगे। मेसी ने 17 साल की उम्र में बार्सिलोना के साथ मुंसलिक हुए थे। मेसी आज जिस मुकाम पर है, इस पर पहुंचने में बार्सिलोना का बहुत अहम किरदार है। मेसी ने 2004 में बार्सिलोना के लिए अपना पहला क्लब मैच खेला था जब उनकी उम्र सिर्फ 17 ईयर्स थी। मेसी फुटबॉल की तारीख के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 22 साल की उम्र में गोल्डन फुटबॉल अवार्ड हासिल किया। इस अवार्ड को फुटबॉल की दुनिया का सबसे आला और तीन अवार्ड माना जाता है, जबकि मेसी ने यह अवार्ड 6 मरतबा हासिल किया है। दुनिया में 6 दफा ये अवार्ड हासिल करने वाले वाहिद फुटबॉलर हैं। मेसी के बार्सिलोना के साथ कैरियर पर नजर डालते हैं। मेसी ने बार्सिलोना के लिए 778 मैचेस खेले हैं जिनमें उन्होंने 672 गोल स्कोर किए हैं, जबकि 305 गोल में मुआवनत की है, यानी कि 305 गोल उनके पासिस पर किए गए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने 4 दफा बार्सिलोना को चैंपियंस लीग जिताने में भी मदद की है। इन्हीं कामयाबियों की वजह से मेसी को दुनिया के कामयाब फुटबॉलर तसव्वुर किया जाता है। इसी वजह से कमेंटेटर्स मेसी के बारे में बर्बला कहते हैं कि मेसी हर दिन मैराथोना की तरह खेलते हैं। मेसी की ड्रिलिंग, तेज रफ्तारी और उसके पास ही सबसे शानदार होते हैं और मुखालिफ टीम के डिफेंडर्स के पास उनका कोई तोड़ मौजूद नहीं होता। मेसी को किसी एक फुटबॉल क्लब के साथ सबसे ज्यादा मैचेस खेलने का एजाज भी हासिल है। अब हम आपको बताते हैं कि कौन सी वजूहात की बिना पर मेसी ने बार्सिलोना क्लब छोड़ा है। बार्सिलोना फुटबॉल क्लब काफी अरसे से मुआशी बहरान का शिकार है और में दिन ब दिन मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इसके अलावा ला लीगा फुटबॉल बॉडी के कुछ लीगल, स्ट्रक्चरल और एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज भी चल रहे हैं। बार्सिलोना मेसी को रिटेन नहीं कर सकती इन्हीं इश्यूज की वजह से, और उन्होंने मेसी की खिदमात एक और मशहूर फुटबॉल क्लब PSG फ्रांस को दे दी है। लियोनेल मेसी एक मंजे हुए फुटबॉलर होने के साथ साथ एक अजीम इंसान भी है और वो चैरिटी के कामों में दुनिया भर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। शोहरत की बुलंदियों पर पहुँचने के बावजूद वो डाउन टू अर्थ किरदार के मालिक हैं। इसी वजह से दुनिया भर में उनकी बेइंतहा इज्जत की जाती है और शायकीन फुटबॉल उनसे दीवानावार प्यार करते हैं। आज जब मेसी ने बार्सिलोना फुटबॉल को अलविदा कहा है तो उनके करोड़ों फैन दुनिया भर में बहुत ज्यादा गमगीन और उदास हैं। ये थी हमारी वीडियो व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।